मतरूका वफ अमलाक बोर्ड ने लाल हवेली को फिर नोटिस जारी करते हुए शेख रशीद के भाई शेख सिद्दीक को मतरूका वफ अमलाक बोर्ड लाहौर में 4 मई को पेश होने का हुक्म दिया। बाबर मलिक मजीद आगाह करेंगे, कहिए बाबर। देखिए, आज लाल हवेली के हवाले से मतरूका वक्फ अमलाक की जानिब से भी एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नोटिसेस जारी किए गए हैं और इस नोटिसेस बड़ी कार्रवाई के खिलाफ साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी, उन्होंने भी अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच पे पिटीशन दायर कर दी है। गालिब इम्कान है कि ये पिटीशन जो है बाकायदा तौर पर कल समाप्त के लिए मंजूर होगी और मुतअल्लिकीन को जो है नोटिसेस जारी करेंगे। यूं एक दफा फिर लाल हवेली जो है वो खबरों की जिल्लत बनी है और मतरूका वक्फ अमलाक के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से लाल हवेली के ट्रांसफर डीड का केस बनाकर इनको शेख रशीद और उनको नोटिस जारी किए गए, जबकि शेख रशीद अहमद की जानिब से भी इस सारी सूरत हाल को लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज किया है। और ये दावा भी करते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच की जानिब से पहले भी उनके हक में फैसला हुआ था और फैसला के हक में मौजूद है। यूं इसकी बाकायदा समाज जो है जो शेख रशीद अहमद की जानिब से पिटीशन दायर की गई है इसकी समाप्त होनी है। ठीक है बाबर मलिक, हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे थे, बाबर आपका शुक्रिया।